हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में, जहाँ पे मैं आपको ले चलूँगा हिमाचल प्रदेश के कुछ पवित्र स्थान। तो अभी मैं ऊना में हूँ, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ चिंतपूर्णी मंदिर। तो जैसे कि आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है। प्रदेश के कौन कोने में बहुत सारे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, लेकिन ऊना जिला में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी का एक अलग ही महत्व है। चिंतपूर्णी अर्थात चिंता को दूर करने वाली देवी, जिसे छिन्न मस्तिका भी कहा जाता है। छिन्न मस्तिका का अर्थ है एक देवी जो बिना सर के है। कहा जाता है कि यहीं पे पवित्र पार्वती के पवित्र पाँव गिरे थे। मंदिर के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही सीधे हाथ पर आपको एक पत्थर दिखाई देगा। इस पत्थर माईदास का है। यहाँ वही स्थान है जहाँ माता के भक्त माईदास को दर्शन दिए थे। भवन के मध्य में माता के गोल आकार की पिंडी है, जिसके दर्शन भक्त करते हैं। श्रद्धालु मंदिर की परिक्रमा करते हैं। माता के भक्त मंदिर के अंदर निरंतर भजन कीर्तन करते रहते हैं। मंदिर के साथ वट का वृक्ष है, जहां श्रद्धालु कच्ची मूली अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए बांधते हैं। पश्चिम की ओर बढ़ने पर एक बड़ा वृक्ष है, जिसके अंदर भैरव और गणेश के दर्शन होते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर सोने की परत चढ़ी हुई है। इसी मुख्य द्वार का प्रयोग नवरात्रि के समय किया जाता है। यदि मौसम साफ हो तो आप यहां से पर्वत श्रेणी भी देख सकते हैं, जिसे धूलाघर कहा जाता है। मंदिर की सीढ़ियों से उतरते समय उत्तर दिशा में पानी का तालाब है। पंडित माईदास की समाधि भी तालाब के पश्चिम दिशा की ओर है। पंडित माईदास द्वारा ही माता जी का इस पावन धाम की खोज की गई थी। चलो सुन चो ओए ओए चलो 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 अब हम पहुंच गए हैं ज्वाला जी के मंदिर में है। आज हम सारे शक्तिपीठ को कवर करेंगे, जो भी यहाँ हिमाचल प्रदेश के जितने शक्तिपीठ हैं। देखते हैं कितना लाइन है। आज का जो हमारा दूसरा मंदिर है वो है ज्वालामुखी मंदिर, जो कि देवी ज्वालामुखी जी को समर्पित है, जिन्हें ज्वलंत मुख की देवी भी माना जाता है। ये वही स्थान है जहां देवी सती की जीव पृथ्वी पर गिरी थी, जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर को काट दिया था। वो माँ दुर्गा के रूप में यहां पे पूजनीय है।
यहाँ चट्टान में ज्वाला के रूप में प्रकट होती है। मंदिर में कुल 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हैं, जो 9 देवियाँ महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्वसवनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी के प्रतिनिधित्व करती हैं और उनके नाम पर भी है। ये पवित्र ज्वालाओं की पूजा करने के लिए पूरे भारत से बड़ी संख्या में भक्त वर्ष के दौरान मंदिर में आते हैं। आप जब यहाँ पर दर्शन करेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर लगेगा और एक नई चीज़ की अनुभव होगा। हम जब यहाँ पहुँचे तो हमने जो फील किया वो मैं आपको ब्लॉग के माध्यम से नहीं बता सकता हूँ। तो आप आइए और भगवान जी के दर्शन कीजिए। जय माता दी।
अब हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे शक्तिपीठ में, जो कि है श्री ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल, जो कि कांगड़ा में स्थित है। इस स्थान पर सती का बाया स्तन गिरा था, जब भगवान श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर को काट दिया था। इस प्रकार ये शक्तिपीठ बन गया। मूल मंदिर महाभारत के समय पांडवों द्वारा बनाया गया था। कहा जाता है कि एक दिन पांडवों ने अपने सपने में देवी दुर्गा को देखा। उन्होंने उनसे कहा कि वो नगरकोट गांव में स्थित है, और यदि वे चाहते हैं कि वे स्वयं को सुरक्षित रखें तो उन्हें उस क्षेत्र में उनके लिए एक मंदिर बनाना चाहिए, अन्यथा वे नष्ट हो जाएंगे। उसी रात पांडवों ने नगरकोट गांव में उनके लिए एक भव्य मंदिर बनवाया। इस मंदिर को मुसलमान आक्रमणकारियों ने कई बार लूटा। मोहम्मद गजनी ने कम से कम 5 बार इस मंदिर को लूटा। अतीत में इसमें कई टन सोना और चांदी के घंटे हुए करते थे। 1905 में मंदिर एक शक्तिशाली भूकंप से नष्ट हो गया था, और बाद में सरकार द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया था। अभी जो आप मंदिर देख रहे हैं वो 1905 के भूकंप के बाद बनवाया गया था। मेरे देख सब हाथे दाग अच्छे सब चले आसो चले मेरे एक घंटे दाड़ा दे Thank you.
চলো বড় বটে এমনি মন্দিরটা হ্যাঁ तो अब हम पहुंच गए हैं कांगड़ा किला, जिसका निर्माण कांगड़ा राज्य के राजपूत परिवार ने करवाया था। ये हिमाचल में मौजूदा किलाओं में से सबसे विशाल और भारत में पाए जाने किलाओं में से सबसे पुराना किला है। 1615 में सम्राट मुगल अकबर ने इस किले पर घेराबंदी की थी, परंतु वो इसमें असफल रहा। इसके पश्चात 1620 में अकबर के पुत्र जहांगीर ने चंबा के राजा को मजबूर करके इस किले पर कब्जा कर लिया। मुगल सम्राट जहांगीर ने सूरजमल की सहायता से अपने सैनिकों को इस किले में प्रवेश करवाया था। कटोच के राजाओं ने मुगल शासन के कमजोर नियंत्रण और मुगल शक्ति के गिरावट के कारण लगातार मुगल नियंत्रित क्षेत्रों को लूटा। सन 1789 में राजा संसार चंद टू ने अपने पूर्वजों के प्राचीन किले को बचा लिया और अपने कब्जे में ले लिया। ऐसा माना जाता है कि किले में 21 खजाने के कुएं हैं, जिनमें से प्रत्येक की गहराई 4 मीटर गहरी और 2.5 मीटर चौड़ी है। 1890 के दशक में गजनी के शासक 8 कुओं को लूटने में सफल रहे, जबकि ब्रिटिश शासकों ने 5 कुओं को लूट लिया था। ऐसा कहा जाता है कि किले में अभी भी खजाने से भरे 8 और कुएं हैं, जिनका पता लगाना बाकी है। किले में 11 द्वार और 23 गढ़ हैं। मुख्य मंदिर के द्वार के ठीक बाहर सबसे प्रमुख रक्षा द्वार है, जिसे अंधेरी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। ये 7 मीटर लंबा और चौड़ा है, जिसमें से 2 आदमी या 1 घोड़ा गुजर सकता है। दरवाजे का निर्माण दुश्मन सैनिकों के हमले को रोकने के लिए किया गया था। देखते भाई जी खाली ठीक लग रहा है गो
7 बज में देना क्या।